भारतीय रक्षात्मक ढांचे में सबसे बड़ा औहदा रखने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत अब इस दुनिया से अलविदा ले चुके हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत का निधन हो गया है। 4 दशकों तक देश की ढाल बने रावत को पहली बार इस पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले देश में CDS जैसा कोई पद सेना में नहीं हुआ करता था। बिपिन रावत का हिमाचल प्रदेश के शिमला से गहरा नाता रहा है। 13 मई 2019 को वे शिमला आए हुए थे। बिपिन रावत ने शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल का दौरा कर स्कूल में बिताए अपने लम्हों को याद किया था। इसी स्कूल से उन्होंने कुछ साल पढ़ाई भी की है। इस दौरान स्कूल के छात्रों ने बिपिन रावत से कई सवाल भी पूछे थे। उन्होंने छात्रों के सवालों का जवाब देने के साथ ही जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करने का मूल मंत्र दिया था। जनरल रावत ने NCC विंग के छात्रों को कहा था कि देश सेवा का जज्बा हो तो सेना ज्वाइन करे। उनके संबोधन से पूरे स्कूल के छात्र प्रोत्साहित हुए थे। जनरल बिपिन रावत ने स्कूल की विजिटर बुक में लिखा था, NCC कैडेट के जज्बे और जोश को देखकर काफी प्रभावित हुआ हूं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जनरल बिपिन रावत तब 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर शिमला पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने CTO से लेकर होटल क्लार्क तक मॉल रोड घूमने और शिमला के सुहावने मौसम का लुत्फ उठाया था। शिमला प्रवास के दौरान अग्रिम क्षेत्र में सुरक्षा के हालात जानने के लिए सैनिकों की तैनाती का भी उन्होंने जायजा लिया था। इसके अलावा बिपिन रावत राज्यपाल और राज्य के उच्च पदाधिकारियों से भी मिले थे। सेनाध्यक्ष के साथ उनकी पत्नी व सेना परिवार कल्याण संगठन की अध्यक्षा मधुलिका रावत भी शिमला आई थी, जो आज भी उनके साथ मौजूद थी। भारत के लिए बेहद बुरी खबर, दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में CDS रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।